तो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो यार। और काफ़ी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। तो दोस्तों, अभी मैं और मेरा एक टीममेट ऑनलाइन था, तो मेरे टीममेट ने कहा कि यार कोई बेस है क्या नज़र में, चलो उस पर रेड करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने एक बेस देखा था, काफ़ी बड़ा था। जब मैं ड्रम तोड़ता हुआ स्पेयर के लिए काफ़ी दूर गया था तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा बेस दिखाई दिया था जो आयरन से भी अपग्रेड था। तो मुझे पता था कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी लूट मिल सकती है। तो मेरे टीममेट ने कहा क्या पता वो बेस अभी हो या नहीं हो। तो मैंने कहा यार चल के देखते हैं, एक बार बेस होगा तो हम रेड करेंगे, बॉम्ब सीधा लेकर ही चलते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर आ चुके थे कार लेकर हमारी, और फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर देखा ना तो ये बेस और भी पहले से बड़ा हो चुका था अब तक। तो हम वैसे भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसी बेस के हिसाब से आए थे कि मतलब यार इतने बॉम्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद में हमने बैग भी लगा दिया अपना, स्लीपिंग बैग। तो मेरे टीममेट ने फिलहाल अभी बॉम्ब लगा के इसका जो मेन डोर है ना घर का, वो तो तोड़ दिया है। लेकिन अभी अंदर है ना यार बंदे ऑनलाइन हैं और वो हमसे फाइट भी ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर एक बंदा है। तो अभी मेरी हेल्थ देख लो कि यार कितनी कम हो चुकी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या करूँ, पहले मेरा टीममेट भी अब अंदर जा चुका है तो उसको बचाऊँ या पहले मेरी हेल्थ बढ़ाऊँ। तो पहले मैं मेरी हेल्थ बढ़ा देता हूँ यार, ताकि होगा कि मेरा जो टीममेट है उसने तो स्लीपिंग बैग अपना पास में लगा रखा है और मैंने ही नहीं लगाया, वही पहले के जैसे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मेरे टीममेट और उन एनिमी में अभी फाइट हो रही है, तो अभी ये एक एनिमी मेरे सामने आ चुका है तो इस पर मैंने मतलब फायर किया है और उसके डैमेज भी निकला है। लेकिन अभी मेरे टीममेट जो है ना वो नॉक हो गया है यहाँ पे आके। तो चलो यार, अभी ये तो किल हो चुका है पूरा, तो ये वापस से रिस्पॉन होकर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो गन और एमो बॉम है ये सब कुछ मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा दूर चला जाता हूँ यार, क्योंकि जो जिस बंदे से हमने फाइट ली ना उसकी हेल्थ तो काफ़ी कम हो चुकी है, तो अब हो सकता है कि वो अपनी हेल्थ बढ़ा के वापस बाहर आए। तो अभी फ़िलहाल मेरा टीममेट वापस से रिस्पॉन होकर यहाँ पे आ चुका है और मैंने उसको सारा सामान उसका दे दिया है। तो अभी हम जो ये आयरन का डोर है ना इस पर बॉम्ब लगा रहे हैं और बंदा इसके अंदर ही है, बंदे को इतना डर लग गया कि वो बाहर ही नहीं आया। तो दोस्तों, जब उस एनिमी से मेरे टीममेट की फ़ाइट हुई ना और मेरा टीममेट नॉक हो गया, तब मुझे थोड़ा बुरा लगा और इसी वजह से मैंने उस एनिमी को इतना डैमेज दिया है। तो यार आपके भाई को भी थोड़ा बहुत तो खेलना आता है। ये है कि कभी कभी हमारा एम सही नहीं बैठता, लेकिन यार जब बैठता है ना तो ज़बरदस्त बैठता है और फिर उसके बाद तो हम बंदे की बैंड बजा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं इस गेम में एक ही बात सोचता हूँ कि अपने पास में कितनी भी बड़ी से बड़ी गन हो या फिर कितनी भी छोटी से छोटी गन हो या फिर गन हो ही ना, अगर कोई बंदा आ गया ना हमसे फाइट लेने तो मैं मतलब जब तक नॉक नहीं होऊंगा ना तब तक तो उससे फाइट लूँगा। हाँ, ये है कि अगर नॉक ही हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन हम जब तक हम में दम है तब तक तो हम फाइट लेंगे ही लेंगे। तो कहना बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ इस गेम में, मतलब कितना भी प्रो प्लेयर आ जाए सामने, अगर फाइट लेनी है तो बस मतलब लेनी है, चाहे ऐसे नोके होकर आए लेकिन लेनी है तो लेनी है। लेकिन इस बेस में जो बंदा था ना यार, उसको जो ज़बरदस्त हमने डैमेज दिया ना, उसके बाद में वो बंदा बेचारा बाहर ही नहीं आया, मतलब इतना डर गया यार वो बंदा। तो देख लो अभी फुट स्टेप आ रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। तो अभी मेरा टीममेट अंदर बॉम्ब लगा रहा है तो इसलिए मैं क्या है बाहर थोड़ा देख रहा हूँ, क्योंकि यार बंदा अगर पीछे से आके हम दोनों को भी नॉक कर सकता है, तो इसलिए मैं बाहर ध्यान रख रहा हूँ। हो सकता है इस बेस में कोई और सीक्रेट रास्ता हो या फिर बंदा किसी भी तरह से बाहर से अगर हम पे फायर करेगा तो फिर हो सकता है हम दोनों नॉक हो जाए यार, तो इसलिए बाहर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी जो डोर मेरे टीममेट को तोड़ना है ना वो स्टील से अपग्रेड है। तो मेरे टीममेट ने कहा कि यार मतलब C4 दो, तो हमारे पास में थोड़े बहुत C4 भी है तो वो मैं लेकर आया था थोड़े बहुत, तो मैंने मेरे टीममेट को C4 दे दिए हैं। अब दोस्तों, बाकी डोर हमें हैंडमेड से ही तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास में अब C4 ज़्यादा नहीं है। अब काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई आप सोशल सर्वर क्यों नहीं खेलते, रैंक की क्यों खेलते हो। तो यार देखो, रैंक सर्वर में मतलब जो भी चीज़ होती है ना वो सब कुछ ओरिजिनल होता है और सोशल सर्वर में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। मतलब स्टील से अपग्रेड बेस बहुत बड़ा मैं ही बना के दिखा दूँ आपको एक ही दिन में, लेकिन यार रैंक सर्वर में पूरी मेहनत लगती है, पूरा ओरिजिनल काम रहता है, तो वही लोगों को पसंद आता है। आप सभी को भी इसीलिए पसंद आता है क्योंकि यार रैंक सर्वर में हम पूरी मेहनत करते हैं। तो भाई अभी तक फ़िलहाल इस बेस का ये डोर नहीं टूटा है और ये अंदर से पूरा स्टील से अपग्रेड भी है बेस। तो बाहर से आयरन से अपग्रेड था लेकिन अंदर से अब ये स्टील से अपग्रेड निकल गया है। तो चलो यार, ये डोर तो इसका टूट चुका है लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं दिया है फिलहाल। तो दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ी पे एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ था जिस पर मेरे टीममेट का ध्यान चला गया और मेरे टीममेट ने उसे तुरंत ही किल कर दिया है। अब मेरा ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि यार मैं नीचे था। तो चलो यार, ये रिस्पॉन इसलिए हो रहा है, इसका स्लीपिंग बैग यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले इसका स्लीपिंग बैग ही तोड़ देता हूँ ताकि ये रिस्पॉन नहीं हो पाए। तो अभी हमारे पास में बॉम्ब की भी कमी है और इसी के साथ साथ सामने हमें स्टील का डोर दिखाई दे रहा है। तो चलो यार, अभी 15 बॉम्ब तो है हमारे पास में हैंडमेड, तो पहले हम यही लगाएंगे ताकि स्टील का डोर टूट जाए।
तो दोस्तों ज़्यादातर हमेशा रेड के वीडियो में आप देखते होंगे कि मेरा ये एक टीममेट ही मेरे साथ में रहता है। तो इसकी बात यह है कि ये हमेशा ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन दिखाई देता है, तो इसी वजह से मैं इसी को बोल लूँगा कि मतलब यार चलो रेड करने चलते हैं, तो इसी वजह से ये हमेशा रेड पे साथ में आता है। अब अगर मेरे साथ में किसी को खेलना ही है तो यार मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार आपको भी काम रहता है, मैं भी समझ सकता हूँ और मुझे भी काम रहता है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार अगर मैं जॉब भी करता हूँ ना तब भी मैं एक दिन में 2 घंटे तो कम से कम ऑनलाइन आता हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। और जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा तो तुरंत फार्मिंग स्टार्ट करूँगा या फिर स्पेयर इकट्ठा करना शुरू कर दूँगा। ये नहीं है कि मतलब यार कुछ भी टाइम पास करें इधर उधर घूम के, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुरंत कुछ ना कुछ काम ही करूँगा। तो आपको जो भी टाइम मिले, अगर आपको खेलना ही है ना, तो आपको जो भी टाइम मिले 2 घंटे या 3 घंटे एक दिन में, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं कुछ भी, तो जितने भी टाइम आप आए घूमने में टाइम पास नहीं करना यार, मतलब कि कोई भी काम करना है आपको, चाहे से स्पेयर करो, फार्मिंग करो या रूम खोलो, कुछ भी आपको करना है तभी आप खेल सकते हो मेरे साथ में यार। क्योंकि ऐसे तो काफ़ी बंदे आते हैं यार फिर उसके बाद नहीं खेल सकते यार साथ में। सही बात है, क्योंकि यार कुछ हो ही नहीं सकता इतने बड़े बेस में। क्योंकि दोस्तों जैसे कि अभी मैं 2 घंटे ऑनलाइन आ रहा हूँ, और कभी कभी जब मैं जॉब पर नहीं जाता तब मैं 6 घंटे ऑनलाइन आता हूँ कंटिन्यू। तो 6 घंटे के टाइम में मैं फ़िलहाल कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर लेता हूँ, इधर उधर घूम के थोड़ा सामान जमाना लार्ज स्टोरेज में, ऐसा कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन उसमें फार्मिंग और स्पेयर इकट्ठा करना भी करता हूँ। लेकिन जब मैं 2 घंटों के लिए ऑनलाइन आता हूँ ना, जब मैं जॉब पर जाता हूँ, तो उसके बाद तो मैं मतलब आते ही अपना काम ही शुरू करता हूँ सर्वर में, और कुछ ही नहीं करता, ना चैट करता हूँ ना कुछ करता हूँ। अगर कोई मैसेज भी करता है तो उसका भी रिप्लाई मैं ज़्यादातर नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बेस को सही बनाना रहता है। तो दोस्तों जब अभी मैंने इस बेस पे बॉम्ब लगाए तो मेरा टीममेट किल हो चुका है बॉम्ब की वजह से। तो यार उसको पता नहीं था शायद कि मैं बॉम्ब लगा दूंगा, लेकिन यार उसको पहले से मैंने बोल दिया था कि मैं बॉम्ब लगाऊंगा, तब भी वो अपनी जगह से नहीं हटा, तो इसी वजह से नॉक हो गया। और देख लो फिर से दोबारा मैंने बॉम्ब लगाया और वो तुरंत भागता हुआ आया और यहाँ पर दोबारा फिर से नॉक हो गया। तो यार उसको रुकना चाहिए था यहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मेरा जो टीममेट है वो पास में रिस्पॉन हो गया है और वो वापस से आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास में बॉम्ब ख़त्म हो गए तो इसलिए मुझे मेरे टीममेट से बॉम्ब लेने होंगे, क्योंकि ऊपर का डोर अभी तक भी नहीं टूटा है जो स्टील से अपग्रेड है यार। तो दोस्तों आप लोगों में से कुछ भाइयों ने मुझे कॉमेंट में बोला था कि छोटे बेस पर नहीं कभी कभी बड़े बेस पे भी रेड करके दिखाओ, तो वैसे तो मैं बड़े बेस पे रेड करता हूँ, लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि यार बहुत ही बड़े बेस पे रेड करते हैं जो आयरन और स्टील से अपग्रेड हो। तो चलो अभी ये स्टील आयरन और स्टोन से अपग्रेड है, बाहर से थोड़ा बहुत लकड़ी का बना हुआ है, और आप देख सकते हो कि पूरा बेस ये प्रो प्लेयर का ही है, कोई छोटे मोटे बंदे का बेस नहीं है ये। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ये किसी एक ही बंदे का बेस नहीं है, क्योंकि यार एक बंदे से इतनी तैयारी नहीं हो सकती इतने बड़े बेस में, ये 2-3 बंदों का बेस है, मतलब कि पूरी टीम है। अब दोस्तों रैंक सर्वर में इतने बड़े बेस पर रेड करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम सोशल सर्वर नहीं खेल रहे, हम अभी रैंक में हैं, और रैंक सर्वर में इतना बड़ा बेस अगर हमने रेड कर दिया तो फिर उसके बाद तो आप मान सकते हो कि यार हमें खेलना आता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमें ऊपर जाने का रास्ता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सीढ़ी लगी हुई थी वो टूट चुकी है, तो अभी ऊपर जाने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे जाए। तो फिलहाल अभी मेरा टीममेट जो यहाँ पे जितना भी सामान था ना वो सभी कलेक्ट कर रहा है, वो जो वुड स्टोरेज में है और फर्नेस में है। चलो तो दोस्तों अब हम वुड लेडर लगाकर ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इस बंदे का सामान है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे टीममेट ने बताया कि यार अब इस बेस पे रेड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैबिनेट बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2-2 बंदे ऑफलाइन पड़े हैं, और इसी के साथ साथ एक बंदा जो ऑनलाइन था वो अभी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो फिलहाल अभी हमें कैबिनेट तो मिल गई है, तो अभी बॉम्ब हमारे पास में ख़त्म हो गए थे, लेकिन हमारे पास में गन थी और एमो थी। तो मेरे टीममेट ने कहा कि अब क्या होगा, मैसेज में उसने मुझे कहा था, तो मैंने कहा यार गन है ना, गन को काम में लेंगे और इसकी कैबिनेट को तोड़ेंगे, अपनी कैबिनेट लगाकर पूरा घर तोड़ के जाएंगे ये। तो ये आइडिया मेरे टीममेट को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो अभी वो कैबिनेट पूरी तरह से तैयार कर चुका है अपने पास में, तो वो वेट कर रहा है कि मैं कभी कैबिनेट तोड़ूँ और वो अपनी कैबिनेट लगाए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, कि मतलब जितने बॉम्ब हम घर से लाए थे ना इतनी दूर, तो वो बॉम्ब जैसे ही ख़त्म हुए हैं ना, और तब तक हमें कैबिनेट मिल गई थी। क्योंकि यार अगर अभी तक भी कैबिनेट हमें नहीं मिलती ना, तो फिर उसके बाद हमें दोबारा अपने घर पे जाना पड़ता, वहाँ से बॉम्ब लाने पड़ते, और काफ़ी दूर का मामला हो जाता यार, फिर बहुत लंबी रेड हो जाती है। अब दोस्तों मेरा टीममेट तो पता नहीं अभी वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक ही बात सोच रहा हूँ कि फटाफट से यहाँ पे बेस को तोड़ना शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मेरे बैग में कितना सारा आयरन बार आ चुका है, जो कि इन बंदों की कैबिनेट से मुझे मिला है, और स्टोन और वुड भी मिली है। लेकिन अब स्टील तो कमी थी इन बंदों की कैबिनेट में, 517 ही है। अब ये जो बंदे ऑफलाइन पड़े हैं ना, पहले इनको हम किल कर देते हैं। इसके साथ साथ में ये एक और इधर पड़ा था, तो इसके पास में मैं देख लेता हूँ, तो मशीन गेयर कलेक्ट कर लेता हूँ यार, वो काम आएंगे मेरे। चलो तो दोस्तों अभी बंदों को तो मैंने किल कर दिया है, अब शुरू करते हैं इस बेस को पूरा तोड़ना। तो चलो मैं गन रख लेता हूँ वापस से अपने बैग में, और उसके बाद में इन वाल को तोड़ना शुरू करता हूँ। तो यार ऊपर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं मेरे टीममेट को बता रहा हूँ कि यार इस बेस को तोड़ो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तोड़ेगा, मुझे तोड़ना पड़ेगा पूरे बेस को। तो ये देख लो कि यार बंदे ने यहाँ पे मतलब बाहर अपना बैग लगा दिया है, स्लीपिंग बैग, इसी वजह से ये बंदा रिस्पॉन हो रहा है यहाँ पे बार बार में। तो चलो दोस्तों फिलहाल मैंने इस बंदे को किल कर दिया है, अब चलते हैं इधर की साइड और सीढ़ी को तोड़ते हैं। तो यार सीढ़ी को तोड़ने के बाद में मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिखाई दिया है, तो ये बंदा वही है या फिर ये कोई दूसरा बंदा है, इसका ही कोई साथी टीममेट है, मुझे नहीं पता। तो चलो मैं तो इसको भी किल कर देता हूँ, तो देखते इसकी पेटी में क्या है यार। तो इसकी पेटी में यार काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गन है, तो चलो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ पहले अच्छी अच्छी गन ये। तो चलो यार अब ये बंदा दोबारा नहीं आएगा, तो मैं बेस को तोड़ना शुरू करता हूँ यार। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, ये बंदा क्या है बार बार बीच में आ रहा था। ओ भाई तो देख लो यार, आप दो दो मोटरसाइकिल भी छुपा रखी थी बंदों ने यार। लेकिन अपना क्या है, फ़ायदा यहाँ पे बहुत बड़ा ये हो गया कि हमें कैबिनेट आसानी से मिल गई ना, तो उसी वजह से क्या हुआ कि मतलब अब हम आसानी से बेस तोड़ सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा बॉम्ब लगाने पड़ते इस बेस में, क्योंकि काफ़ी दूर तक फैला हुआ था यार ये। तो दोस्तों मैं कैबिनेट के चारों तरफ से तोड़ता हुआ आऊँगा, क्योंकि यार अगर बीच में हमने कैबिनेट तोड़ दी ना, तो फिर उसके बाद यार ये बेस नहीं टूट पाएगा। तो चलो यार अभी मैंने पूरा बेस साफ़ कर दिया है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब लास्ट में एक साथ लूटेंगे यार, जब ये पोटलिया गिर जाएगी ना नीचे तब, क्योंकि यार पहले लूटने में क्या फ़ायदा, जब आसानी से हम बेस को ही गिरा देंगे तो उसके बाद लास्ट में हम एक साथ भी लूट कर सकते हैं बेस की। तो यार अभी चारों तरफ आप देख सकते हो इस बेस की जो वाल है ना चारों तरफ लगी हुई, वो तो रह गई है, तो उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कोई लूट भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये टीम भी काफ़ी पावरफुल थी, जैसा कि मैंने पहले बताया पूरी टीम थी। अब आप देख लो इनके पास में QBZ गन भी है, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी M4 गन है, तो मतलब कि हमारी टक्कर के बंदे थे पूरे के पूरे। लेकिन यार कुल मिला के अभी हमने इनका बेस तो तोड़ दिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एमओ भी मुझे मिल रही है यहाँ पे लूट में, लेकिन यार मेरा तो पूरा बैग ही फुल हो गया है, जबकि मैंने पूरे ज़रूरी सामान ही लूटे हैं इस बेस से। तो यार अभी मैं मेरे टीममेट को बुलाता हूँ, ताकि वो ये लूट कलेक्ट कर ले अपने बैग में। लेकिन यार पता नहीं चला मुझे, तो मतलब यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा लूट पड़ी हुई है, और मेरा टीममेट ना जाने बाहर जाके क्या कर रहा है। शायद हो सकता है उसका बैग पहले ही फुल हो चुका हो, और वो सारा सामान अपने सीक्रेट बेस में रख रहा हो। यहाँ पे उसने एक सीक्रेट बेस भी बना लिया है छोटा सा, तो वहाँ पे ले जाके ये सारा का सारा सामान रख रहा होगा। तो चलो यार अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टीममेट यहाँ पे आ चुका है वापस से, तो यार मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ये सारा का सारा जो सामान है ना, जो भी लूट है, ये कलेक्ट कर लो यार, जो ज़रूरी है बाकी छोड़ दो यहीं पर ही। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बेस में टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने ज़्यादा बॉम्ब भी नहीं लगाए थे इस बेस में, और आसानी से हमें कैबिनेट मिल गई थी, उसी वजह से मतलब इस बेस का सारा सामान सारी लूट हमें आसानी से मिल गई। अब दोस्तों आप सोच सकते हो हम दोनों यहाँ पे रेड करने आए, तो उसके बाद में हमारे बैग बिल्कुल फुल हो चुके हैं, जबकि हमारे सारे बॉम्ब तो यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब जो इतनी जगह हमारे बैग में हुई थी ना, वो सारी की सारी भर चुकी है, पूरे बैग बिल्कुल दोनों के हमारे फुल हो चुके हैं। तो चलो यार अभी मैंने सारे लूट कलेक्ट कर ली है, और अब कुछ भी नहीं बचा है यार, ज़रूरी कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे सामान। तो चलो यार अब ये मोटरसाइकिल बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ यार इनका क्या करूँ, क्योंकि यार हम दोनों तो कार से आए हैं, अब ये मोटरसाइकिल अगर हम यहीं पे छोड़ेंगे ना, तो क्या होगा कि मतलब किसी दूसरे बंदे का भला हो सकता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार इन पे फायर करके इनको भी तोड़ के जाते हैं, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल को। अब दोस्तों ये मोटरसाइकिल अगर मुझे लेनी होती ना, तो बिल्कुल आसानी से मैं ले सकता था, क्योंकि इसके नीचे अगर मैं बेसल लगाता, तो फिर आसानी से मैं मोटरसाइकिल को ड्राइव करके यहाँ से ले जा सकता था। लेकिन मैं इसलिए नहीं ले जा रहा, क्योंकि यार उसके बाद में फिर हमें कार छोड़नी पड़ेगी, तो इसी वजह से क्या है मतलब यार कार छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मेरे टीममेट ने कहा कि यार मोटरसाइकिल को रहने दो, मोटरसाइकिल वैसे हम ही बना लेंगे, और कार हमारे पास में है, तो हम तो कार से चलेंगे सीधा। तो चलो अभी मोटरसाइकिल की तो आग लग चुकी है, आपने देख लिया है, पूरा बेस बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और यहाँ पे ये देख लो कि यार बंदा कैसे लेटा हुआ है। तो चलो यार इसको किल करूँ या नहीं करूँ, तो चलो यार किल कर ही देते हैं। वैसे बंदे के पास में कुछ भी नहीं बचा है, अब बेचारा वो तो ऐसे ही लेटा हुआ है। अब दोस्तों इस बंदे ने अपने बेस को अपनी आंखों के सामने रेड होते देखा है, लेकिन यार ये कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि यार ये अकेला ऑनलाइन था अभी। जैसे कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं अकेला ऑनलाइन था, और तब मैं अकेला ही खेल रहा था सोलो,
रैंक सर्वर में, और तब मेरे बेस पे रेड करने के लिए 5 बंदे एक साथ आए थे। तब मतलब मैंने भी फाइट ली थी जैसे इसने आज फाइट ली है, लेकिन तब मैं भी नहीं जीत पाया था क्योंकि यार मेरे सामने भी चार चार पाँच पाँच बंदे थे और वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलने वाले थे। और उसी तरह से इसके साथ भी वही बात हुई कि मतलब इसके पास में गन तो अच्छी अच्छी थी, लेकिन यार मुझे लगता है कि मतलब जो इनके टीम में सबसे अच्छा प्लेयर था ना, वो अभी ऑफलाइन था और इसको ज़्यादा खेलना नहीं आता, तो ये ऑनलाइन था, तो इसीलिए ये अपने बेस को नहीं बचा पाया है रेड होने से। वैसे अभी हमारी जो कार है वो फंस चुकी है पत्थर पे, तो यार पत्थर पे से कार को निकालना मुझे काफ़ी अच्छी तरह से आता है। इसके लिए मुझे रिस्टोर पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में कार दूसरी साइड चली जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी रिस्टोर काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा टीममेट अंदर बैठा हुआ है इस कार के। जब वो बाहर निकलेगा ना, उसके बाद में जब मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगा, तो फिर ये कार यहाँ से हटके और इधर थोड़ा साइड में आ जाएगी। तो अभी मेरे टीममेट को शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं इस कार को निकाल दूंगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो यार देख लो आप, मैंने रिस्टोर पर क्लिक किया 3-4 बार और यहाँ से हमारी कार पत्थर पे से हट चुकी है और दूसरी साइड आ चुकी है। तो चलो यार अभी पत्थर पे से मैंने कार निकाल ली है, अब हम चलते हैं सीधा अपने घर पे क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारी लूट है जो इस बेस से मिली है। तो दोस्तों इस सर्वर की अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरा का पूरा सर्वर ये ऐसा हो गया है कि मतलब अब तो कोई बंदा ही दिखाई नहीं देता। हालांकि अभी जिस बेस पे हमने रेड की वहाँ पे बंदा ऑनलाइन था, लेकिन यार वो तो उसी बेस का था, लेकिन ऐसे जब हम बीच में चलते रहते हैं तब भी काफ़ी बंदे हमें सर्वर के शुरुआत में दिखाई देते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो अभी मैं कार में चल रहा हूँ तो कोई भी बंदा मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब इस सर्वर काफ़ी अच्छा बन चुका है रेड करने के लिए। तो ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।